नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने आज अपने बयान में कहा कि राजनीति में किस पार्टी का किस से गठबंधन हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जेजेपी अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने आम आदमी के साथ प्रदेश में गठबंधन के सवाल पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल वे और उनकी पार्टी का नेतृत्व संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। संगठन के तैयार होने के बाद गठबंधन के बारे में भी सोचा जाएगा। भाजपा सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही किसान सम्मान निधि योजना को उन्होंने किसानों के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 8 मार्च को नैना चौटाला फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में हरी चुनरी चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुटेंगी। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। आज विशेष जो इशू था वो तो ये था कि हमारा जो कार्यक्रम चलता है हरी चुनरी चौपाल के नाम से, वो नैना सिंह चौटाला जी का कार्यक्रम हमारे जिले के अंदर 8 तारीख को रखा गया है गांव बड़ोपड़ में। आज जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं और हर व्यक्ति की नजर इन चुनाव के ऊपर लगी हुई है, पार्लियामेंट की हो या 7 विधानसभा की करवाएं, तो सरकार का काम है, ECI का काम है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं दोनों चुनाव के लिए। और इस बात का हमें फख्र भी है कि पूरे हरियाणा भर से हर वर्ग के लोग, ऐसे लोग भी, ऐसी जातियों के, ऐसे धर्मों के लोग भी जो इनेलो के नजदीक नहीं पटिया करते थे, उनके आवेदन आ रहे हैं, वो हमें समर्थन दे रहे हैं। और ये मान के चलो कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को ही दिन में 8-10 ऐसे मैसेज आ जाते हैं, 2 मैं अटेंड कर चुका हूँ कि हमें पार्टी ज्वाइन करनी बड़े लेवल पे। तो कांग्रेस को छोड़ करके, भाजपा को छोड़ करके हमारे पास जो आवेदन है, इस लेवल के लोगों के आवेदन है कि जो पहले चुनाव लड़ चुके और आगे लड़ना चाहते हैं, वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आपको समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलेगा कि इन बड़े बड़े लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। आपसे अलायंस का फाइनल हो गया नहीं? हम तो अभी गठबंधन से पहले तो अपनी पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। आपने हमें उस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए समर्थन दिया था, उसके लिए हम धन्यवाद भी किया उनका। लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनाव चिन्ह कब तक फाइनल हो जाएगा? चुनाव चिन्ह हमारा 16 तारीख तक फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी CIP, और उसके बाद वो कोई ऐसा हमें डेट नहीं दे पाए जब वो सारे कमिश्नर इकट्ठे होकर के फैसला कर सकते। 1 मार्च का हमें उन्होंने टाइम दिया है, तो 1 मार्च को लगभग हमें उसी सिंबल अलॉट कर। कौन कौन से आपकी तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशन गई है, क्या क्या चाहिए आप? नहीं, वो ऐसा होता है कि वो हमारे सामने लिस्ट रखेंगे, तो उस लिस्ट में से चूज करना होता है, उसको फाइनल कर देते हैं। कब प्लेट लकी रहा है आगे? बहुत लकी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें मिल नहीं सकता। हम तो वो भी चाहते हैं कि मिल जाएगी, मिल नहीं सकता। नहीं, आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बहुत सारा छप रहा है कि सीटों का कोई डिस्प्यूट है, आप तो अध्यक्ष हैं, किस लेवल पे बातचीत है? या मैंने कहा ना कि अभी व्यस्त हैं संगठन बनाने के मामले में। आपको पता है कि हम 12 और 13 को दिल्ली में थे, 2 दिन पूरे लगाए, 18 को चंडीगढ़ में थे, 20 को सिरसा थे, तो आज तो 23 तारीख की हुई है। अब वो बैठ के उसको कंप्लीट करेंगे, जो आवेदन आए हैं, जिन लोगों के पैनल्स आए हैं, वो करके फिर गठबंधन की बात सोचेंगे। उन्होंने 2-3 बार कहा है, आपने भी पढ़ा, हाँ जी, केजरीवाल साहब ने भी कहा, उनके मेंबर राज्यसभा सुशील गुप्ता जी ने भी कहा कि हम उनसे गठबंधन करना चाहते हैं। नहीं, अगर वो दिल्ली में कांग्रेस से करते हैं तो क्या हरियाणा में आपसे गठबंधन में कोई ऐसी दुविधा? तो हमने क्लियर कर दिया, पीछे आपने दिग्विजय जी का बयान पढ़ा भी था, जो कांग्रेस का मित्र हो हमारा मित्र नहीं हो सकता। तो पता नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस से तो उनका कोई बात शायद लंबी चल ही नहीं पाई और वहीं फ्लॉप हो गई। नहीं, वो तो घुटने टेक के बस इस तरह गठबंधन की बात है। मोदी विरोधी गठबंधन में केजरीवाल और राहुल गांधी लगातार साथ देखे जा रहे हैं।
देखिए राजनीति में गठबंधन किसका किससे हो जाए ये तो आप देख रहे हैं रोज, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन हम असूल तोड़ के गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। चुनाव के बाद आप यूपीए के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे ये जरूरी, तीसरा भी ऐसा कोई संगठन खड़ा हो सकता है, थर्ड फ्रंट खड़ा हो सकता है, तो वक्त पे सोचा जाता है। आज तीसरी ताकत भी बहुत बड़े लेवल पे जुड़ रही है तो वहां भी मित्रता हो सकती है, उनकी भी लाइफ बन सकते हैं। योजना शुरू की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसान निधि, किसान सम्मान निधि योजना, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए लगातार सीएम के बयान भी आ रहे हैं जी, 50% लगने से पहले उनके खातों में पैसे आ जाएंगे। देखिए पता क्या है कि आपको पता है कि कितने रुपए दिहाड़ी बनती थी? 17 रुपए। ये किसान के साथ मजाक है। किसान जी पुलवामा की घटना है, क्या थोड़ा कोई मुद्दा बनेगा? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण होती है ऐसी घटनाएं, देश के लिए देश को हिला करके रख दिया इस घटना ने। हर व्यक्ति ने, पहली बार ऐसा हुआ कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने गवर्नमेंट को कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं तो इसका बदला लिया जाए। तो लेकिन मैं मानता हूं ऐसी चीजों को राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई अपने लाभ के लिए करता है तो देश द्रोही कहा जा सकता है, देश का विरोधी कहा जा सकता है। उन सूरवीरों की इतनी शहादत हो गई, इतने परिवारों को जो है ना इतना आहत हुआ, तो उनको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए तो बहुत बुरी बात। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? 10 की 10 सीटों, 10 हरियाणा की सभी सीटों पर लड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहता कि मैं तो जज्बा को पार्टी नहीं मानता। बल्कि उन्होंने ये भी कहा इसमें साथ ये भी जोड़ दें कि चौधरी जयलाल ने जो पौधा लगाया था अब फल लगे हैं तो लुटेरे उनको खा रहे हैं। देखो बुजुर्ग हैं, हमारे नेता रहे हैं, आदरणीय रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो अच्छी बात है। ये तो इस बात का जवाब तो आपके पास भी है, जनता भी जानती है। लुटेरे नहीं खरीदे देखो, हमें दो बातें कही गई। एक तो ये कहेगी उनके बेटे द्वारा, चौधरी रवि सिंह द्वारा, कि पैसे नहीं है, खत्म हो जाएंगे सारे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। और जब हमें लोगों ने 38,500 वोट दे दिया, उनको 3,454 दिए, तब ये कह दिया कि ये पैसों से खरीदे। मतलब उनका खुद का ही कंट्राडिक्टरी बयान इस तरीके का, पहले तो कह दिया इनके पास पैसे नहीं है, फिर कह दिया पैसों से खरीदे हुए हैं। हमने कोई वोट पैसे से नहीं खरीदा, सबको मालूम है, वहां की मीडिया को भी मालूम है, हमारा तो प्यार का वोट था। मैंने इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ा कि वहां कार्यकर्ता का अगर मान सम्मान नहीं है, मेरे सामने अगर किसी को डांट पिलाई जा रही है तो मुझे बुरा लगेगा, मैं उसको ठीक नहीं समझूंगा।